चलो लास्ट टॉपिक ये खत्म कर रहे हैं अभी। बेंजाइन हम खत्म कर चुके हैं लास्ट टाइम, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंजाइन की कुछ रिएक्शंस नोट करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम इसका मैकेनिज्म बता दिया था बेंजाइन की रिएक्शन का, जैसे अगर मैं क्लोरोबेंजीन है सपोज और इसके अंदर NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालूंगा तो आंसर सबको पता है इसका क्या आना है, और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है। क्या बन जाएगा इससे? एनिलीन बन जाएगा, क्लियर? एनिलीन विल बी फॉर्म, एनिलीन बनेगा इसमें। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, इसमें NH2- डालते ही, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म हो चुका है ये, NH2- डालते ही पहले H+ बाहर निकलेगा, फिर H+ बाहर निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा बाहर? Cl। यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ Cl आया, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह सब कर चुके हैं, बेस डाला तो ये ऐसे होगा, फिर इसका ये इलेक्ट्रॉन जा देगा और ये Cl बाहर और बन गया बेंजाइन। बेंजाइन बन जाएगा यहाँ से इस तरीके से, कैसे भी बना लो तुम उसे, ये बन गया और ये नॉर्मल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है, ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स गए, किसी भी साइड इलेक्ट्रॉन भेज दो अमोनिया डाल के, इलेक्ट्रॉन्स गए इधर तो NH3 जो है ये अपने लोन पर दे देगा इसको, बस 8-10 मिनट की बात है, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम अपना कन्वर्जेंस वाला काम थोड़ा सा। माइनस ये पे यहाँ आ गया NH3+, अभी अपना H+ लूज करेगा, H+ लूज करेगा और उसके बाद वो H+ इस नेगेटिव पे आ जाएगा और ये बन जाएगा, सही ना। और इसमें मैंने ये बताया अगर यहाँ पे अगर स्टार है, जहां से Cl हटा वहीं पे अगर NH2 आ रहा है तो उसे बोलेंगे हम DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और अगर NH2 मैं दूसरी जगह लगा दूं, जहां पे स्टार लगा है, स्टार मतलब कार्बन 14 वाला है, स्टार का मतलब कार्बन 14 वाला था, तो दूसरी जगह लगा दूं मैं, जैसे अगर मैं यहां लगा दूंगा NH2 तो इसे हम बोलेंगे CSP, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे? साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह मैं सब बता चुका हूँ, ये पहले हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कह लो या फिर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये इस तरह से मैं ग्राफ बता चुका हूँ थोड़ा सा पहले, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस NaNH2 था या KNH2 था और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा और बीच में यहाँ बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये TS1 बताई हुई मैंने, ये TS2, ये सब पहले हो चुका है। तो अब नोट करना है कुछ रिएक्शन, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है, अगर एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा? इफ एराइल हैलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया सपोज Cl लिया और OCS3 लगा देते हैं, से OCS3 ये लिया मैंने OCS3 और यहां लगाया Cl, एक बार ऐसे ले लिया OCS3, एक बार Cl मेटा पे लगाया OCS3 और एक बार Cl लगाया पैरा पे। अब इन के तीनों केसेस में, कोई भी तीनों केस, मान लो मैंने ये ले लिया, इसमें डाल दिया मैंने NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो अब तुम्हें बताना है, तुम्हें ये पता है कि इससे क्या होना है। यहाँ पे जो भी बच्चे अगर 10th वाले 11th वाले हैं तो बस वो इतना ध्यान रखेंगे कि Cl की जगह NH2 आता है, बस उनको और डिटेल समझ नहीं आएगी। NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला अगर मैंने, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, अब इसमें क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि Cl हटा NH2 यहीं लग जाए, Cl हटा NH2 यहाँ पे भी लग सकता है, NH2 यहाँ पे भी लग सकता है। तो इसके मैकेनिज्म में पहले क्या हटता था? इससे पहले क्या हटता था? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन दो जगह है इसका, ध्यान देंगे अब, एक्टिव हाइड्रोजन इसका दो जगह है, एक तो यहाँ पे मेनली ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि HCl जब निकलेगा तो Cl के साथ वाला H ही बाहर निकलेगा, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे भी है, क्योंकि HCl या तो ऐसे निकलेगा या HCl ऐसे निकलेगा, तो दो एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास, इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा। अब कौन सा निकलेगा, कौन सा निकलेगा वो हमें सोचना है, कौन सा ज्यादा एक्टिव मानोगे तुम? अगर मैं जो दूसरा ग्रुप लगा है, दूसरा ग्रुप जो लगा है, मैं उसका इफेक्ट चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा? उसका इफेक्ट क्या है? इस वाले ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर, चाहे ये वाला एच हो या ये वाला एच, दोनों के लिए बराबर, क्योंकि एक ऑर्थो पे है एक पैरा पे है, प्लस आर का डिस्टेंस से कोई लेने देना नहीं होता है, इसलिए OCS3 लगाएगा अपना दूसरा इफेक्ट, यानी माइनस आई इफेक्ट जो है इस वाले के लिए ज्यादा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट इसके लिए ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा है,
ये वाला एक्टिव एंटीजन ज्यादा अच्छा है। अब उसके बाद समझ आई बात कि नहीं? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें HCl या तो ऐसे बाहर निकलना था, HCl या तो ऐसे बाहर निकलता या HCl इधर से बाहर निकलता, यही दो हाइड्रोजन में चेक करने हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो उसके लिए इस ग्रुप का इफेक्ट लगता है प्लस आर, पहला इफेक्ट इसका प्लस आर, इस वाले एच के लिए भी प्लस आर, दोनों के लिए प्लस आर लगना था। तो प्लस आर का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, प्लस आर का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए मैं इसका दूसरा इफेक्ट चेक करूंगा क्या, माइनस आई। माइनस आई ओ सी एस थ्री का कब जा रहा होगा, जब वो एच के क्लोज होगा, तो इसके लिए माइनस आई ज्यादा, इसलिए ये वाला एच बाहर निकलेगा, इसलिए ये वाला एच बाहर निकलेगा और बनेगा, ध्यान देंगे, बेंजाइन बनेगा इस साइड से, यहां से बनेगा बेंजाइन, ये बन गया बेंजाइन। ये मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद अब NH3 माइनस NH3 अटैक करेगा, NH2 हमें लगाना है बस, अब हमें NH2 लगाना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसका आंसर। अब NH2 जो लगाना है, ध्यान देंगे, अब जो NH2 लगाना है वो NH2 OCH3 ग्रुप का इफेक्ट सोचो क्या था, OCH3 का इफेक्ट क्या था, याद है किसी को? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? ये सब बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स, सब बच्चे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तुम सिंपल बताओगे OCH3 का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, ऑर्थो पैरा की मेटा? ऑर्थोपैरा ऑर्थो पैरा किसने बोला है? प्रथम कुणाल, कुना अच्छा कुणाल तू अभी रहने दिया, अगर कुणाल 11 सालों को बोलने दे, 11 सालों को। OCH3 का ग्रुप का इफेक्ट जो है वो है ऑर्थो पैरा, लेकिन वो किसके लिए था ऑर्थो पैरा? फॉर इलेक्ट्रोफाइल, जब कोई पॉजिटिव रिएजेंट अटैक करता है। अभी जो अटैक करना है किसको अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल यानी NH3 को, इसलिए ये अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, आंसर आएगा DSP, ये आंसर है इसलिए इसका, ये आएगा NH2, यही बस हमें पता लगाना था, NH2 Cl की जगह ही आना है कि Cl के साथ वाले कार्बन पे आना है। ये किसी को समझ आया कि नहीं? है ऐसे ही, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल लिया ऑर्थो वाले का, इसका इस एक का मैंने आंसर बता दिया, दूसरे का चेक करेंगे, दूसरा चेक कर रहा हूं मैं ऑर्थो वाला, देखो दूसरा ऑर्थो वाला चेक करना है। तो इसके लिए पहले तो एक्टिव हाइड्रोजन तो यही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता, एक ही है, क्योंकि एच सी यहीं से बाहर निकलना है, यही निकलना है, तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं इसके अंदर। तो इसमें बेंजाइन बन जाएगा, और ये तो बना है इधर DSP है, इधर दिमाग में रखना। और अगर कोई पूछता टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, तो बोलोगे तुम टोटल प्रोडक्ट्स बताओ इसमें कितने मिलेंगे, कोई भी तुम्हें से टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे इसके अंदर, सोच के बताओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। श्रेया ने आंसर दे दिया, और कोई? टोटल प्रोडक्ट्स, चलो मैं भी बता रहा हूं, उसमें लक्ष्य, सेजल, दक्ष, कुणाल का 8 आंसर है। चलो चलो अभी देखते हैं। अब देखो इस केस में तो ये हट गया, अब इस केस में ये जब हट गया NaNH2 अंश का 9, NaNH2 डाला हमने, ये हट गया। अब उसके बाद अब दोबारा अब जब मैं अमोनिया ऐड करूंगा, अब मैं जब अमोनिया ऐड करूंगा तुम बताओ क्या होगा, अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे, एच निकलने के बाद? कहाँ अटैक करेगा बोलो जल्दी, इसमें सोचना थोड़ी है, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है OCH3 का? इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ऑर्थो पैरा, सबने पढ़ा हुआ ये, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए मेटा पे अटैक करेगा, सोचना ही नहीं है इसमें, आंसर ये आ गया। तो इसमें CSP मिला, DSP मिला, CSP साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, CIN, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, रीजन क्योंकि जहां पे Cl है वहां पे NH2 नहीं आया, इसलिए इसे बोलेंगे साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे कोई पूछेगा, तो तुम बोलोगे 2, ध्यान देना, क्योंकि 1% चांस यहाँ पे भी है ना कि NH2 यहाँ पे भी अटैक कर सकता था, और यहाँ पे भी, इसमें 2, इसमें कितने मिलेंगे जब Cl मेटा पे था, इसमें मिलेंगे 3, रीजन बेंजाइन यहाँ पे तो बना ही है, लेकिन बेंजाइन के बनने के चांसेस तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे, इसलिए इसमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो वाला भी, मेटा वाला भी और पैरा वाला भी, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे इसके अंदर, ध्यान रखना चीज के अंदर तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी। तो एक बार चेक करेंगे, और एक बार पैरा वाले का आंसर खुद निकालो जल्दी से। अच्छा
क्यों? ये वाला चेक करो एक बार, ये वाला चेक करो। सर इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा? एक बार कुणाल, कुणाल एक बार ट्राई कर इसको। यस सर, सर सेम मिलेगा। कुणाल अभी बता रहा हूँ तेरे को। हाँ ये कर लिया, अब चेक करना है आंसर सही निकला किसी का कि नहीं। ये बनेगा और मेटा पे ही अटैक होगा, इसमें भी मेजर मेटा है, दो प्रोट मिलेंगे और मेटा भी और पैरा भी, दो प्रोट्स मिलेंगे इसके अंदर, मेटा भी और पैरा भी। आंसर निकालना आ गया इसका कि नहीं ये? अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया सपोज, हाँ आंसर निकालना आ जाना चाहिए इसका। जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज OCH3 लिया था मैंने पहले, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NO2, एक बार लिया सीएल ऑर्थो पे, एक बार सीएल लिया मेटा पे और एक बार लिया सीएल पैरा पे, और तीनों केस में डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया तीनों केस में डाल दिया। मैं भी चेंज भी करूंगा रेजेंट, लेकिन एक बार मैं इससे सिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि NaNH2 लिक्विड में डालने से क्या होता है। तो इसमें आंसर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अब इसमें मैं तीनों में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ
निकाल लिया किसी ने तो बोलेंगे आंसर क्या आएगा सर, और पहले किस पहले किस में क्या आएगा ऑर्थो पे एनएच2 रीजन क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है इट इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सैचुरेशन, इसमें अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल इसलिए ऑर्थो पे डायरेक्टिंग हुआ, ये आएगा और इसे बोलेंगे DSP, NH2 आएगा ऑर्थो पे एंड इट विल बी कॉल्ड एज DSP डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और CSP होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें आंसर डायरेक्ट। ऐसे ही NO2 आया, अब इसमें तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे तीन, समझ गए कि नहीं है, क्योंकि इसका बेंजाइन यहां पे भी बन सकता है और यहां से भी बन सकता है, इसलिए इसमें तीन प्रोडक्ट्स आएंगे और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा फिर वही होगा कौन सा वाला पैरा की मेटा, इसका एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा अच्छा है, एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा अच्छा है ऑर्थो वाला, ऊपर वाला ये वाला ऑर्थो वाला, इसलिए इसका आंसर आएगा फिर दोबारा ऑर्थो पे आंसर आएगा मेजर, अदरवाइज तीन आंसर है इसके, ऑर्थो पे आंसर मेजर होगा इसमें। अब सीएल है इसमें तो बनना ही, चाहे तुम इधर बना दो बेंजाइन चाहे इधर बना दो बात एक ही है, दोनों जगह एक ही बात है इधर, तो इसलिए इसका आंसर तो पैरा पे ही आएगा और मिलेगा डीएसपी, पैरा पे ही आएगा और मिलेगा डीएसपी। नहीं समझ आया क्वेश्चन से वाले आगे सर, हाँ तो ये आना चाहिए सारा, ये हमारा है डीएसपी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा सी एस पी साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट मिलेंगे टोटल, वैसे मैं मेजर बता रहा हूँ सिर्फ, इसमें आया डीएसपी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब अगर मैंने लगा दिया सपोज सी एस थ्री, सी एल सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री सी एल सेम एन एन एच टू लिक्विड अमोनिया, एन एन एच टू लिक्विड अमोनिया, एन एन एच टू लिक्विड अमोनिया, तो अब इन तीनों में जल्दी से आंसर निकालेंगे, जल्दी से निकालना आंसर बिल्कुल। अभी देखते हैं, चलो देख लेंगे पहले। अब इसमें सी एस थ्री वैसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है इसका, वैसे इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है ऑर्थो पैरा, इसके इसमें क्या होगा मेटा, सी एस थ्री इस केस में एक्टिव हाइड्रोजन दूर वाला होगा तो, और मेटा वाला आंसर आएगा मेजर। मेजर आंसर आएगा मेटा वाला, नहीं मेटा नहीं, हाँ मेटा वाला आएगा, मैंने पैरा बना दिया। इस केस में ऐसी ये बाहर और आंसर आ जाएगा, इसमें भी मेटा वाला, तो तीनों केस में मेटा आएगा, किसी पहले वाले केस में सी एस पी, दूसरे में डी एस पी तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तीसरे में सी एस पी साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जहां पे सीएल है वहीं पे अगर NH2 आ रहा है तो डीएसपी, नहीं तो ये आंसर आएगा। मेटा पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, बाकी सब में दो दो मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें सोच के आंसर देना क्या आएगा, मान लो अगर बेंजाइन बना हुआ है, ये बेंजाइन बन गया, बेंजाइन कैसे बना होगा, बेस डाला होगा, अगर बेस डाला होगा या चलो चलो बेंजाइन तो बन ही जाएगा, कैसे बनेगा फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें रिएक्शंस और ढंग से क्लियर हो जाए। मान लो सीएल डाला हुआ है, मैंने पहले डाला इसके अंदर NaNH2 लिक्विड अमोनिया,
इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए। क्या मिलता है इसमें, क्या मिलेगा इसमें? एनिलीन जी, ये पता क्या? एनिलीन, हाँ एनिलीन मिल जाएगा। ये सबको पता ना ये वाली चीज। अब मैं ना एक बार बेंजाइन लेके कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को। जैसे सपोज बेंजाइन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, बेस डाल के तुमने कैसे भी करके बेंजाइन बना दिया है। अब इसमें अगर मैं डालता हूँ, ध्यान देना ये आगे जाके कहीं बहुत जगह यूज होगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। मैंने डाल दिया इसके अंदर आर एन एच टू, बताओ क्या मिलेगा इसमें? मैंने इसमें डाल दिया एक बार से पी एच एल आई, ये बहुत यूज होगा आर एल आई करके, एल्काइल लिथियम, पी एच एल आई डाल दिया तो क्या होगा? मैंने डाल दिया इसके अंदर से पी एच एल आई डाल दिया ना, पी एच एल आई, और आगे एक रिएक्शन और होती है इसकी, वो भी डाल दिया सीओ टू एच प्लस, सीओ टू एच प्लस कॉमा सीओ टू एच प्लस, और मैंने डाल दिया से पी एच थ्री सी एच, पीएच थ्री सी एच। पहले के इसमें आंसर क्या आएगा? आर एन एच टू का मतलब एच प्लस है और आर एन एच माइनस, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एन एच आर, एन एच आर, क्लियर, एन एच आर, एन एच आर। और पीएच एल आई डाला है तो पीएच माइनस होता है, एल आई प्लस होता है, पीएच माइनस एल आई प्लस। किसी भी एक साइड इलेक्ट्रॉन भेज दो, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन भेज दिए इधर, तो यहां पर आ जाएगा एल आई, ऊपर आ जाएगा पीएच, ऊपर आ गया पीएच, यहाँ आ गया एल आई, यहाँ एल आई आ गया। अब सीओ टू डाला ना, ध्यान देना सीओ टू कैसे काम करेगा, ये आ गया ना एक नेम रिएक्शन भी है कोल्ब रिएक्शन, उसमें भी बताऊंगा मैं। सीओ टू डाला तो सीओ टू सपोज ऐसे लीनियरशिप होगा, अब इलेक्ट्रॉन गए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो सी प्लस आ गया, यहाँ पे क्या है एल आई प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस पे ये सी प्लस अटैक कर देगा, ये अटैक करेगा और O माइनस के साथ एल आई प्लस जुड़ जाएगा और ये आएगा फाइनल आंसर। पी एच तो है यहाँ पे, यहाँ आएगा सी ओ ओ एल आई, सी और H प्लस डाला था मैंने साथ में तो सी ओ ओ एच बन जाएगा। यहाँ पी एच, ये आंसर आ जाएगा। और पी एच थ्री सी एच में H प्लस और पी एच थ्री सी नेगेटिव, तो उसको भी जोड़ दो एक जगह, जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा एच और ऊपर सी पी एच थ्री, सी पी एच थ्री, समझ गए कि नहीं है? तो बेंजाइन इस तरह से काम करेगा, सही ना, बेंजाइन इस तरह। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एच एल आई वाली, ये बहुत बार यूज करूंगा मैं, तो उसको ध्यान रखना है, पी एच एल आई वाली रिएक्शन, पी एच एल आई, इस रिएक्शन को यूज करेंगे काफी बार, तो उसको ध्यान रखना इस चीज को। एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे फिर आगे करते हैं हम। जैसे इसमें क्या होगा, के एन एच टू लिक्विड वाली है, KNH2 लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या होगा? KNH2 लिक्विड अमोनिया, इसमें क्या होगा इस केस में? सर KBr बन जाएगा और Br की जगह NH2 आ जाएगा। देखो इधर, इसमें किसी और 12th वाले बच्चे को आंसर बोलना है? ट्वेल्थ वाले बच्चे को किसी को आंसर बोलना है? दक्ष बोल, आंसर क्या आएगा इसमें? पर्यंत से नो रिएक्शन, हाँ नो रिएक्शन, सोचा ही नहीं इतना लंबा क्यों टाइम लगाते हो तुम लोग, नो रिएक्शन। ट्वेल्थ वाले चार पांच बच्चों ने आंसर भेज दिया, अब नो रिएक्शन क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है कोई भी,
सही ना, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, एच होना चाहिए बी आर के साथ में, एच होना चाहिए, एच है ही नहीं, एम ई ग्रुप है इसलिए नो रिएक्शन। तो एक बार और देख लेते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इसका, फिर आगे हम अपना कन्वर्जेंस करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे बस इसमें, फिर हमारा बेंजाइन खत्म हो जाएगा। मान लो सी एल है, सी एन, ध्यान से करना क्वेश्चन, और इसमें डाल दिया मैंने एन एन एच लिक्विड अमोनिया, एन एन एच टू लिक्विड अमोनिया डाला, और फिर डाला, चलो इसी इसी को ट्राई करो, देखते कि कौन क्या आंसर निकालता है इसका। इलेवंथ वाले बच्चे नहीं ट्राई कर पाएंगे, ट्वेल्थ वाले निकाल लेंगे आंसर, ट्वेल्थ वाले निकाल सकते हैं इसका आंसर, सोच के करना बिल्कुल कि क्या होगा इसके अंदर। चलो देखेंगे आंसर एक बार, बोलना किसी को आंसर निकाला किसी ने, मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, बेस डाला है, बेस डाला है तो एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढेगा, एक तो ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन, ध्यान देंगे HCl बाहर, ये एक तो यहाँ बेंजाइन बनेगा, और दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ ये वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी एक्टिव हाइड्रोजन। रीजन मान लो मैं सिंपल सा रीजन दे रहा हूँ तुम्हें, CH3CHO में एक्टिव था, ऐसे ही CH3CN है, जब यहाँ से H हटेगा, CH3CN है ना, जब इसका H हटेगा यहाँ से, ऐसे ये H हट गया, H हटने के बाद बनेगा CH2-CN, और ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है कि नहीं है? तो सेम ऊपर वाला केस है, इसीलिए जो भी CN के साथ CHO, CN है उसके साथ CHO, या CN के साथ H, CN के साथ H, CHO के साथ H, या कोई भी ग्रुप ले लो उसमें COCH3 के साथ H, कोई भी यहाँ पे H जो होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा एक्टिव हाइड्रोजन, सही ना, COOR आ जाए, COOR के साथ H, SO2OH के साथ H, कोई भी साथ वाला ग्रुप क्या होगा एक्टिव, क्योंकि इसके हटने के बाद क्या होगा इस CN में रेजोनेंस हो जाएगी, ऐसे इसीलिए ये भी एक्टिव हाइड्रोजन मानते हैं। CHO और CN कॉमनली यूज होते हैं, CHO और CN कॉमनली यूज होंगे, इनके साथ वाला H क्या होगा एक्टिव, क्योंकि H हटने के बाद रेजोनेंस हो रही है, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, इसलिए इसको नेगेटिव मान लिया मैंने, ये नेगेटिव आ जाएगा सही ना, और इसको ये नेगेटिव आ जाएगा, और ऊपर HCl बाहर, तो ये बनेगा यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्म, और ये मैं अब कर रहा हूँ, ये आ गया, और इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इस तरह से लिखूंगा, ये एक और ये नेगेटिव और ये सी है, बस ये जोड़ देना इसमें, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव और इस नेगेटिव का बॉन्ड मिल जाएगा, और जुड़ करके और अमोनिया डालेंगे, अमोनिया का एच जो है वो इसको मिल जाएगा NH2 नेगेटिव बाहर, ये वाला एच जो है इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये एच पॉजिटिव जाके इस नेगेटिव पर अटैक करेगा इधर, और फाइनल आंसर ये आ गया। ये जुड़ गया, ये सी है, ये जुड़ जाएगा, ये फाइनल आंसर है इसका। किसी ने निकाला था सही है 12th वाले बच्चों में से, 12th वाले बच्चों में किसी ने निकाला था सही है? नहीं,
तो ये हमारा जीओसी यहाँ पे आज से खत्म हो गया है। नेक्स्ट कुछ नहीं कुरान, अच्छा नेक्स्ट अब हमें हमारा जो टॉपिक होना है अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म। जीओसी में अराउंड 55 लेक्चर्स लगे हैं, तो अब क्या कहते हैं हमारा स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैकेनिज्म, दो चीजें और खत्म करनी है अभी, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिक खत्म होगी। और रिएक्शंस वाला काम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंस वाला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, अभी भी स्टार्टिंग ही हुई है, अभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ उसमें जो हमने 24-25 रिएक्शंस किए हैं, तो इसलिए उस काम को जरूर करना ढंग से, तो बेनिफिट मिलेगा, है ना, तो बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं थोड़े से कन्वर्जेंस करा देता हूँ तुम्हें, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे फिर अभी, सही ना। बस मेरे को टॉपिक आज खत्म करना था कि किसी रह ना जाए टॉपिक, अब नेक्स्ट टाइम से कन्वर्जेंस स्टार्ट कर देंगे प्लस आइसोमेरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो हमें स्टार्ट करना है, उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा, सही ना। तो ये हमने लगभग 35 आवर्स के आसपास खत्म किया है इसके अंदर जीओसी को। चलो नेक्स्ट, अब मैं कन्वर्जन लास्ट क्या ली थी, किसी को याद है सर? बोलो सर एक बार लास्ट स्लाइड, एक मुझे बस, हाँ लक्ष्य सर, इसमें मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड एंड के मतलब एक बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया था और फिर छह की रिंग बनाई थी, तो गलत नहीं, हो जाएगा? नहीं मत क्या, हाँ बिल्कुल गलत होगा, वो सिर्फ कार्बो के टाइम में होती है ना शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग कभी नहीं करेंगे इस टाइप से। सही लक्ष्य, ओके सर। सर चलो, हाँ बोलो सर, कल एंड में ना एक आपने डोज प्रोसेस करवाया था ना, तो ना वीडियो एंड हो गई थी, वो पूरा नहीं होता है, मैं भी लिख देता हूँ, हाँ मैं उसको लिख देता हूँ, डोज प्रोसेस लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है 12th क्लास के, डोज प्रोसेस, बेंजाइन मैकेनिज्म्स का भी, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वाया एलिमिनेशन एडिशन, क्लोरोबेंजीन रट देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ उसका, NaO चला इसके अंदर, ड्रास्टिक कभी टेम्परेचर प्रेशर भूल जाओ तो ड्रास्टिक कंडीशन बोल देना, 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर, 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर, तो इससे आ जाएगा पहले ONa, वो के साथ मेटल कभी भी आएगा, एक्चुअल में यहाँ फिनॉल आ जाता है लेकिन NaO जला हुआ ना पहले, इसलिए वो फिनॉल को दोबारा ONa में कर देता है, इसलिए हमें एसिड डालना पड़ता है, डायलूट HCl डालेंगे तो मिलेगा फिनॉल। ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, डोज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर नहीं लिखा होता तो क्या होता है यहाँ पे, अगर 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर नहीं लिखा होता तो क्या होता सर? रिएक्शन होती, तब रिएक्शन ही नहीं होती क्योंकि क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, तो ये नहीं लिखा तो जीरो मार्क्स है सीधा, कोई रिएक्शन ही नहीं होनी यहाँ पे, रीजन बिकॉज क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ये देखो समझिए कि नहीं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखना पड़ता है, कभी भूल जाओ तो ये लिखाना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये डाउस प्रोसेस है, इसको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कन्वर्जन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। चलो अब 5-7 कन्वर्जन करके ना, 5-7 कन्वर्जन, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बोर्ड के लिए, डाउस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल कन्वर्जन है ये, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर तुम्हें बनाना है, सही ना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर बनाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, सही है। तो अब आगे भी मैं नेक्स्ट में अभी थोड़ा सा ना कन्वर्जेंस करेंगे, 20-25 मिनट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे कन्वर्जेंस, लेकिन हाँ कन्वर्जेंस करनी है, छोड़ना नहीं है उसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सही उसे कर लो कन्वर्जेंस, इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अच्छा कन्वर्जेंस का होमवर्क वगैरह सब भेज रहे हैं? यस सर, मेरे पास तो अभी सभी का है, इस हफ्ते अभी किसी ने नहीं भेजा, अभी शुरू ही नहीं हुआ हफ्ता, तो सबका आ गया इस हफ्ते तो कुछ नहीं। अच्छा दूसरा सुनने का काम कर रहा है मुकुल?
ये सर सुनने का हो रहा है, वो तन्मय नहीं सुना रहा सर। नहीं सुना रहा है ना, मैंने इसको फोन कर, अच्छा कुछ मैं बोल दूंगा। अच्छा सही है अंश, सही है। चलो अब मैं ना नेक्स्ट में अब कन्वर्जन स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी इसके कन्वर्जन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट में करते हैं, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज्वाइन कर लेना अभी दोबारा।